देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया है जिन्होंने 70 साल से भ्रष्टाचार की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। एक वो राजनीतिक दल जिन्होंने देश में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उनका राज होता था, आज वो छोटे छोटे दलों से समझौते करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो जनता के सामने आते थे, हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते थे, हमेशा वो गरीब को गरीबी हटाने का नारा तो देते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुजरात के अंदर लंबे समय से आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात लगातार प्रगति कर रहा है। और गुजरात के भाई बहन जिस तरह से पूरे देश का नेतृत्व गुजरात कर रहा है, आप सभी को इसका स्वाभिमान और अभिमान होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया है जिन्होंने 70 साल से भ्रष्टाचार की राजनीति की, तुष्टिकरण की राजनीति की, जातिपात की राजनीति की। उन ऐसे राजनीतिक दलों को मजबूर कर दिया कि आज वो, आज आप देख रहे हैं जिस तरह से वो राजनीतिक दल अपनी स्थिति को पहचान पाए हैं। एक वो राजनीतिक दल जिन्होंने देश में पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक उनका राज होता था, आज वो छोटे छोटे दलों से समझौते करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन दलों के साथ समझौते करने को वो कांग्रेस तैयार हो रही है जिनके राज्य में एक या दो सीट होती हैं, उनको इतना स्थिति उनकी खराब हो गई, क्योंकि उनकी स्थिति खराब इसलिए हुई थी क्या उनकी कथनी और करनी में अंतर था। वो जनता के सामने आते थे, हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते थे, हमेशा वो गरीब को गरीबी हटाने का नारा तो देते थे, लेकिन कभी उनका गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा। वो किसानों की बात करते थे, किसानों के हित की बात करते थे, किसान को आगे बढ़ाने की बात करते थे, लेकिन कभी उन्होंने किसान को नजदीकी से नहीं देखा। अगर गरीब को नजदीकी से देखा है, किसान का अगर भला किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है।